दुनिया भर में कोरोना के वार जारी हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,77,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका में कोरोना से सूरत हाल खौफनाक हो गई। एक ही रोज में मजीद 2,800 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। मरने वाले शहरियों की तादाद 45,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,77,000 से जायद हो गई। 25,57,000 से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि 6,90,000 से जायद अफराद सेहत याब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से सूरत हाल खौफनाक। एक रोज में मजीद 2,804 अफराद हलाक हो गए। मरने वाले शहरियों की तादाद 45,318 हो गई। 8,00,000 से जायद अमरीकी आलमी वबा का शिकार हो चुके हैं। स्पेन में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,04,000 से बढ़ गई, जबकि हलाकतों की तादाद 21,228 है। इटली में 1,83,000 कोरोना के मरीज हैं। 24,648 लुकमा अजल बन चुके हैं। फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की तादाद 20,700 से जायद हो गई। जर्मनी में 5,086, बरतानिया में एक रोज में मजीद 828 अफराद हलाक हो गए। तुर्की में 2,259, जबकि ईरान में 5,290 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब में कोरोना से 109 अफराद जाँ बहक और 11,631 मुतासिर हैं। सऊदी हुकूमत ने माह रमजान के दौरान कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया है। तुर्की ने 2,259 अमवात के बाद 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। भारत में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 50 अफराद दम तोड़ गए। भारत में कोरोना के मुतासिरीन की तादाद 20,000 के करीब हो चुकी है। उधर आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस की चीन की लेबोरेटरी में तैयार की खबरों की मुस्तरद करते हुए कहा है कि शवाहिद से ये पता चलता है कि कोरोना वायरस जानवरों से फैला है।